आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बाय फैक्टराइजेशन मेथड और यहाँ पे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये एक आसान तरीका भी कह सकते हैं, आसान तरीका समटाइम्स जहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं लगता वहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत ईजिली आंसर निकाल देता है, और जहाँ पे फैक्टराइजेशन लगता है वहाँ भी क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको वो सोल्यूशन दे देता है। तो ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली है, इसकी पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये जो डिवीजन है ये इस पूरे के नीचे, खाली कुछ लोग खाली इसके नीचे लिखते थे, वो नहीं, ये इस पूरे के नीचे डिवीजन है। तो ये आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसकी वैल्यूज हम कहाँ से पुट करेंगे, इस इक्वेशन से हम सबसे पहले निकालते हैं a। a जो होती है ये x के का कोफिशिएंट होता है जो कि इधर 5 है, और b जो होती है ये x का कोफिशिएंट होता है 8, और c जो होता है ये कांस्टेंट टर्म होती है जो कि यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे अगर माइनस का साइन होगा ना इधर कहीं भी, वो भी हम इनके साथ में लिखें, तो यहाँ पे प्लस प्लस ही था, तो प्लस लिखने या ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इन वैल्यूज को अब हमने फार्मूले में पुट करना है, तो आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, जहां भी माइनस आए वहां पे आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, वहां पे फिर गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। अदरवाइज अगर आप माइनस ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो बहुत समटाइम्स आप माइनस प्लस की मिस्टेक कर सकते हैं। तो b, आपने b की वैल्यू 8 लिख दी यहाँ पे, प्लस माइनस ये दोनों साइन है ऊपर नीचे, अंडर रूट बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर का मतलब है 8 का स्क्वेयर, माइनस 4ac, a हमारे पास 5 है और c हमारे पास है 1, डिवाइडेड बाय 2a। ये 2a फार्मूले में है तो a की जगह हमने 5 लिखी। अब जो भाई अंदर कोई माइनस वगैरह कुछ नहीं है तो हम इसको माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 8 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर आएगा 64, माइनस 5 4 20 21 20 डिवाइडेड बाय 5 2 10। तो यहां तक हमने वैल्यूज वगैरह पुट किए, इनको मल्टीप्लाई वगैरह करके सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमने इसके अंदर सिंप्लीफाई करना है, यानी 64 माइनस 20 करना है। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे हम इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस, माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 20 अगर करें तो ये 24 आ जाएगा, 44 आ जाएगा सॉरी, और होल डिवाइडेड बाई 10 आ गया। अब 44 अंडर रूट तो ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता, तो इसको आप ब्रेक करेंगे 11 4 44। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11 into 4, 44 को हम 11 इंटू 4 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, माइनस 8 प्लस माइनस। अब दो चीजें मल्टीप्लाई अगर हो रही हैं और अंडर रूट के अंदर हो तो अंडर रूट अलग अलग हो कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई के केस में, अगर प्लस या माइनस है फिर नहीं कर सकते, होल डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ पे माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 4 जो होता है ये सॉल्व हो जाता है, अंडर रूट 4 2 के इक्वल होता है, अंडर रूट 4 आप कैलकुलेटर में रख के भी देखें तो ये 2 के इक्वल होता है, या आप यूं भी अगर देखें ना 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अंडर रूट, अब ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है तो आंसर 2 दे देता है। और अंडर रूट 11 सॉल्व नहीं होता, ये यूं ही रखेंगे हम और डिवाइडेड बाई 10। अब अगर इन ऊपर वाली दो टर्म्स को देखें तो यहाँ पे 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन ले लिया, माइनस का अंदर ही रखते हैं, माइनस 4 2 8 प्लस माइनस 2 बाय कॉमन आ गया, पीछे बच गया अंडर रूट 11 एंड डिवाइडेड बाय 10। तो अब ये 2 10 के साथ कैंसिल हो सकता है, लेकिन यहां से 2 डायरेक्ट और 8 इस डायरेक्ट इसके साथ कैंसिल कभी भी नहीं करने, क्योंकि तभी चीज कैंसिल होती है जब ये कॉमन होती है। भाई ये देखिए अभी ब्रैकेट है, इस पूरी टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, अगर यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे इसको इसके साथ ये 2 को इसके साथ तो वो गलत हो। तो इसके बाद अब 2 1 2 2 5 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 4 1, यहाँ पर 1 आएगा ना, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारे पास दो आंसर हैं, एक्चुअली दो आंसर कैसे हैं,
एक दफा प्लस के साथ आएगा अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय 5, और एक आंसर हमारे पास माइनस 4 माइनस, ये बाहर वाला माइनस ही रहेगा, हमने सिर्फ इनको एक दफा प्लस के साथ लिखना है, एक दफा माइनस के साथ, क्योंकि प्लस माइनस ऊपर नीचे दो साइन है, तो यहाँ पे ये माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। एक आपका ये आंसर और एक ये आंसर, आपके पास दो आंसर आ जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री जो कि 2 होती है, डिग्री का मतलब इसकी पावर x की 2 होती है, तो हमेशा इसके दो आंसर आपके पास आएंगे। आप चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें, या एक और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है जो आगे हम पढ़ेंगे उससे सॉल्व करें। अच्छा, यहाँ पे एक आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, अगर इसी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें तो आपसे नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आपके पास कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा, कोई होल नंबर नहीं आ रहा, बल्कि आपके पास अंडर रूट में आंसर जा रहे हैं, तो आप जाहिर है इसके फैक्टर्स आप अंडर रूट में फाइंड नहीं कर पाएंगे। कि 5 1s are 5, अगर आप देखें 5 1s are 5 होता है, अब कोई ऐसा नंबर है ही नहीं कि 5 को उससे उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 5 आए, और उन दोनों को ऐड या सबट्रैक्ट करें तो 8 आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके काम आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।